अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इसको भी कोई नहीं आता। अभी आप कह रहे हैं कि आप जमा कर देंगी, अब आपको एक महीना टाइम चाहिए। पिछला बिल आपने मार्च में दिया था, मार्च के बाद बिजली आपकी बिजली कटी कब हुई? वापसी कटी हुई वहाँ मार्च की, अब पिछले साल। मैं आपको 15 दिन के लिए आरसी स्टे करता हूँ, 15 दिन, लेकिन मैं 16वें दिन आप पैसा लेता हूँ। और फिर बाबू 5-5 हजार की किस्त भर दोगे, वो तब जब आप कुछ पैसे जमा करेंगे। नहीं, प्लीज कर दो बाबू जी। तो आपने मुझे ऑफिस में पहले भी मिली थी। हाँ। और तब भी आपने कहा था 20 जमा करेंगे, इस बात को 15 दिन। मामला यही है। क्या मामला है बताइए ना। उसमें थोड़ी पानी की डालना चाहता हूँ अपने खेत में। अपने खेत से अपनी जगह में मिट्टी डालने के लिए कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। देखिए, इसमें कुछ समस्याएं जो ऐसी हैं जो सर्विस रिलेटेड है, कोई सेवाएं देनी है। मान लीजिए कि किसी का बिजली का बिल है, जमा नहीं हुआ, बिजली कटी हुई है, या किसी के ज़मीन पे किसी ने रातों रात कब्जा कर दिया, या कोई सरकारी कार्य स्वीकृत था लेकिन शुरू नहीं हो पाया, सर्विस रिलेटेड है, ये काम तो आपके शुरू हो जाते हैं। ज्वालापुर का एक मसला आया जहाँ पे कि पैसा भी है सीवर लाइन डालने का, लेकिन कुछ लोग सीवर लाइन डालने में विरोध कर रहे हैं। इस तरह की समस्याओं का तो डेफिनेटली तत्काल समाधान हो जाता है। कुछ मसले ऐसे आते हैं जो थोड़ा नीतिगत नेचर के हैं, जैसे अभी एक हमारे बुजुर्ग आए थे अलावलपुर गाँव से, उनको अपने ही खेत से दूसरी जगह मिट्टी ले जानी है। अब बहुत छोटी क्वांटिटी है मिट्टी की, लेकिन तो भी उनको रवाना देना पड़ेगा, ई रवाने की फॉर्मेलिटीज करनी होगी। इसमें तत्काल समाधान नहीं हो सकता, तो हम गवर्नमेंट से इसमें पत्राचार करेंगे। ऐसे केसेस में हम पत्राचार करते हैं, या फिर कोई बड़ी योजना हो जिसमें बहुत धनराशि की आवश्यकता हो, उनका समाधान तो देर से होता है, लेकिन बाकी सब मामलों का समाधान जनरली टाइम पे हो जाता है।